क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया और फर्स्ट क्लास? चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सफर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो किया है, एज यू नो। चलिए फटाफट से बताइए और समझिए और अपने दिमाग को पूरा लगाइए क्लास के ऊपर कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। कौन कौन से? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। किसके? कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? फिर हमने क्या किया था? फिर हमने किया था बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या? वैलिड। फिर क्या किया? वॉइड। एंड वॉइड क्या है? वॉइड क्या है? अर्लियर इट वॉज वैलिड, देन बिकॉज ऑफ सम इम्पॉसिबिलिटी इट बिकेम, बिकॉज ऑफ सम इम्पॉसिबिलिटी इट बिकेम इम्पॉसिबल। कर नहीं पाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे, कभी भी कोर्ट में नहीं लेकर जा पाएंगे। एग्जाम्पल याद करें, अरिजीत सिंह आने वाला था लाइव कॉन्सर्ट में, नहीं आ पाएंगे, अब उनके थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। सो क्लियर? वॉइड अग्रीमेंट मैंने आपको थोड़ा सा बताया था बच्चों। वॉइड अग्रीमेंट आपको क्या होता है? जो स्टार्टिंग से ही वर्ड होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए आगे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जो गन रख कर ले लिया जाता है, या परेशान होकर किसी को, आप मेरे लिए ये नहीं करेंगे, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा कुछ, उनकी कंसेंट जो फ्री में नहीं ली जाती, जब कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, गन लगा दिया या कुछ मॉरल प्रेशर लगा दिया, तो यस, एक पार्टी की इच्छा पर जो होता है अवॉइडेबल, जिसको वो पार्टी चाहे तो तोड़ सकती है विद इन रीजनेबल टाइम। चलिए नेक्स्ट पढ़ा था क्या? इल्लीगल, जो कि स्टार्टिंग से ही बेकार है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कोई वैलिडिटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसको हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने मना किया है, जैसे नार्कोटिक्स में डील करना, जैसे पर्सन कर रहा है। फिर लास्ट हमने किया था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन से? जिनमें कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होता है, यस, राइटिंग में ठीक नहीं लिखा हुआ है, बार बार लिमिटेशन एक्ट हो गया है, साइन नहीं है, डेट नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर? चलिए फिर हमने पढ़ा बच्चों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किए थे। फर्स्ट वन वॉज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस में आपको बताया था कि क्लियरली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, इधर ओरली और राइटिंग में, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट था इम्प्लाइड, सिंपल, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। क्लियर? आप बैठ जाते हैं, मैगी लेते हैं, बस में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? इम्पोस्ड बाय लॉ होता है, पार्टी की इच्छा नहीं रहती, पार्टी की इंटेंशन नहीं रहती, लेकिन इम्पोस्ड बाय लॉ होता है। डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल दिया था, एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर मिस्टर डॉक्टर के पास ले गए, तो यस, पर्सन इज लाइबल टू पे टू द डॉक्टर। और एक एग्जाम्पल और किया था क्या? बैंक मैनेजर के, बैंक में आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में बाय मिस्टेक कोई अमाउंट ट्रांसफर हो गया है, तो यस, यू हैव टू पे दैट अमाउंट। क्लियर? फिर हमने क्वांटम मेरिट किया था, जितना काम उतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, प्लम्बर का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। क्लियर? नेक्स्ट चलते बच्चों। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, इससे रिलेटेड, अच्छा, आप क्या नोट्स कुछ बना रहे हैं? हम आपको बुक दे रहे हैं, हम आपको समरी नोट्स भी देंगे, लेकिन क्या आप इससे रिलेटेड कुछ खुद से नोटिंग कर रहे हैं? चलिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों कैसे नोटिंग करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, आज थोड़ी सी नोटिंग मैं आपको बता देता हूं और फिर हम ऐसी नोटिंग करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान रखें,
ठीक है, ये डालेगा हेडिंग और उसके बाद लिखेगा यूनिट वन, क्या लिखेगा यूनिट वन, क्लियर। इसके बाद यहाँ अब जैसे जैसे मैं बताते रहता हूँ वैसे वैसे आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास से और एक काम कीजिएगा, जो आपके पास स्टडी मैट है वो अपने पास तो रखते ही है, प्लस में एक आप मार्कर अपने पास रखिएगा, सॉरी मार्कर नहीं हाइलाइटर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक हाइलाइटर अपने पास रखिएगा बच्चों, सो दैट आई कैन हाईलाइट यू मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो। प्लस में एक स्टिकी नोट्स, क्या रखने हैं स्टिकी नोट्स, जो पेस्ट हो जाते हैं जिसपे आप कुछ लिखते हैं और आपके पेस्ट हो जाते हैं, वो स्टिकी नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में अपने पास रखने हैं। ध्यान रहेंगे ओनली टू थिंग्स, हाइलाइटर एंड अदर वन इज स्टिकी नोट्स। मैं आपको पूरा बुक में जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको बताता रहूंगा, आप एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा। प्लस में स्टिकी नोट्स की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं आपके नोट्स पर इनको पेस्ट करता रहूँगा, प्लस में जो नोटिंग मैं करा रहा हूँ वो नोटिंग आपको करनी है, क्लियर। सो इट विल बी बेटर, इट विल बी 100% ओके विद यू कि आपको कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है यूनिट वन में, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है अग्रीमेंट, ठीक है, हम लिखेंगे अग्रीमेंट। इसमें क्या लिखेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बस। पॉइंट नंबर टू हमने क्या पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या लिखेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस enforceability by law, क्लियर। उसके बाद क्या करना है सुनते रहिएगा अच्छे से, उसके बाद देखना है बच्चे पॉइंट नंबर थ्री, एसेंशियल ऑफ ए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा प्लीज, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, क्लियर, ये आप लोगों को लिखना है, सो दैट इट विल बी केप्ट इन माइंड। आप लिखिएगा यहां पर लिख लेना, कितने सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे याद है, बता देता हूं क्या पढ़ा था, टू पार्टीज, यस, एक मैं लिख देता हूं, बाकी आप कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, सो दैट आपको अच्छे से याद रहे, टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये सब पॉइंट, अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी, यस, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया। फोर्थ नंबर में क्या लिखना है, हम पढ़े जा रहे हैं अपना चैप्टर, पढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ खत्म करते जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगा रहे, क्लियर। उसके बाद बच्चों हमने पढ़े टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ जी, वो क्या है, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेस पर आप लोगों ने पढ़े वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये सब बच्चों ऐसे लिखना है और ऐसे एरो डालकर इनके नीचे लिखेगा कि वैलिड क्या होते हैं, वॉइड क्या होते हैं, वॉइडेबल क्या होते हैं, क्लियर। अपनी नोटिंग बच्चों जरूर करनी है, क्योंकि नोटिंग नहीं करेंगे तो आप बहुत जाएंगे। अच्छा, और एक लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैसे स्टडी करना है, आपको रीडिंग करना है वन टाइम टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स, क्या आप लोग कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर बच्चों आप लोग कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, क्लियर। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या किया था, सारे हो जाएंगे। फिर बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पर नोट हो जाएगा। सारी क्लासेस जितनी अब तक की हैं, फोर की फोर क्लासेस का हमारा फटाफट से यहाँ पर मैक्स टू मैक्स टू पेजेस में आपका सारा समरी बन जाएगी कि हमें क्या
किया है अभी तक और हमें क्या अभी आगे कैसे करना है, डेली डेली हम ये करते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हम और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में हाईलाइटर जरूर लेना है, जहाँ जहाँ मैं बोलता रहूँगा कि आप इसको हाईलाइट कर दीजिए नोट्स पर, तो आप हाईलाइटिंग कर देना और साथ ही साथ नोटिंग भी कर लेना, प्लस में स्टिकी नोट्स भी वहाँ पर पेस्ट कर देना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिनको प्रिंट आउट्स नहीं मिले हैं वो अपने इंस्टीट्यूट से प्रिंट आउट्स ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी सबको मिल सकती है, वो अपना प्रिंट आउट खुद भी निकलवा सकते हैं जहाँ से वो चाहें। क्लियर, चलिए ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे पढ़ाई करते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों इतना डन, ई कॉन्ट्रैक्ट तक डन हो जाएगा, यस डन हो जाएगा। चलिए अब बच्चे चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स हो रहे हैं। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अभी तक आप पढ़ रहे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड हो सकते हैं नहीं हो सकते, यस अब वैलिड हो सकते हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कहा जाएगा, ये कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसकी क्या परफॉर्मेंस हुई है, ये कैसे परफॉर्म करता है, दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी कैन से टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके चलिए बच्चों सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड नाम से ही समझ आ रहा है कि एग्जीक्यूटेड जो एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें दो पार्टी होती है 100%, ये तो पता है कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक कंडीशन क्या है, टू पार्टीज होती है 100% होती है सर, हमें पता है ज्यादा बताइए, टू पार्टीज होती है, उन टू पार्टीज ने अपना अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यस बोथ हैव डन देयर पार्ट, बोथ हैव कंप्लीटेड देयर पार्ट, यस और नो, कैसे, सपोज एग्जाम्पल जो दे रखा है उससे समझते हैं फिर आगे समझते हैं। When a grocer sells a Maggie on cash payment, it is called an executed. मतलब उसने क्या किया, सेल किया मैगी, मैगी ने सेल नहीं है, सोल्ड। When a grocer sold Maggie on cash payment पर उसने सेल्ड कर दिया, मतलब ग्रोसर के पास गए आप, जनरल स्टोर पर गए, आपने 20 rupees दिया, मैगी लिया, सिंपल, क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट डन, यस इट इज एन एग्जीक्यूटेड बिकॉज इट हैज बीन डन इन ए परफेक्ट मैनर, जिस काम के लिए किया जाना था वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो काम ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर, इमीडिएटली जिसमें काम कर दिया जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड, जो काम ऑलरेडी डन है, कंप्लीट है, हो चुका है। चलिए बात करते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट विच टू बिटवीन टू और मोर पार्टी सेट टू बी एग्जीक्यूटेड, कहा जाएगा एग्जीक्यूटेड कब, जब एक्ट या फॉरबियरेंस प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टी, जब एक्ट को दोनों पार्टियों ने पूरा कर दिया है, क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है अपनी साइड से, कंप्लीट कर दे, देन इट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड, एग्जांपल डन। चलिए जैसे एक और बता देता हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपकी सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और आपने इंस्टीट्यूट को फी पे कर दी है ऑलरेडी, यस हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूं और आप इंस्टीट्यूट को अपनी फी पे कर चुके हैं, तो यस It will be called as executed contract. Answer is yes. ये goods या services किसी के लिए भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? In most executive contract, promises are made and then immediately completed. अभी जो बात की, the buying of goods and services usually falls under this category. Confusion about the date of execution. क्योंकि most cases में कैसे होते हैं? Instantaneous. मतलब एकदम से तभी के अभी साथ की साथ एकदम से। क्लियर, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, यस आपने मैगी लिया, आपने पेमेंट दिया, यस सिंपल, आपने फी पे की, आपने पेन ड्राइव ली, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट डन,
ज्यादा समय नहीं लगाना, साथ के साथ होते हैं मोस्टली केसेस में, इट इज एन इंस्टेनियस, साथ साथ एकदम से तभी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटेड डन, कॉन्ट्रैक्ट इज डन, वर्क इज डन बाय बोथ द पार्टीज, अपने एंड पे हर पार्टी ने काम को कर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मीन्स एग्जीक्यूटरी, जो अभी होना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होना है, पार्टी को अपना काम परफॉर्मेंस करना है, पार्टी को अपने पार्ट पर काम को करना है, कौन सी पार्टी को, किसी भी पार्टी को हो सकता है, मेरी साइड से भी हो सकता है, अदर साइड से भी हो सकता है। सपोज फिर से मैगी का एग्जांपल लेते हैं, मैगी की, मैगी दे दी है शॉपकीपर ने, यस, बट मेरे को भी पेमेंट देनी है, तो यस मेरे को भी पेमेंट देनी है, मुझे अभी पेमेंट देनी है किसको, शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने अपनी तरफ से मैगी मुझे दे दी है, लेकिन मुझे अभी देनी है, मुझे अभी देनी है, वाइस वर्सा इट कैन बी डन, यस, वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, मैंने उनको पैसे दे दिए, वो कह रहे हैं अभी थोड़े दिन में दे देंगे, दो दिन में, चार दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिए। In an executory contract, the consideration is either the promise of performance or an obligation. क्या कह रहा है? Sometime in future में होना है, तो इसको क्या बोलते हैं? Executory contract. Normally इस केस में consideration cannot be performed immediately. एक साथ नहीं किया जाता है बच्चों, साथ के साथ नहीं किया, क्या कह रहा है? यस, बिल्कुल साथ के साथ नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? फ्यूचर में, फ्यूचर, नियर फ्यूचर में हम कर रहे हैं, जैसे अच्छा वाला एग्जांपल, व्हेन डी एग्री टू टेक द ट्यूशन ऑफ एफ ए सीए स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, यस, एंड एफ इन कंसीडरेशन प्रॉमिस टू पे डी रुपीज 1000 पर मंथ, अब ये डी कौन है? टीचर, क्या कहते हैं? मिस्टर टीचर डी क्या कहते हैं एफ से, एफ क्या है? एक स्टूडेंट है, सी ए सी एम में सी एस भी हो सकता है, जिस तरह एग्जाम्पल, क्या कह रहे हैं? मैं आपको ट्यूशन दूंगा नेक्स्ट मंथ से, आई विल प्रोवाइड कोचिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, तो एफ क्या कहते हैं? मैं भी आपको नेक्स्ट मंथ से 1000 पर मंथ दूंगा, डी कोचिंग देंगे कब से? नेक्स्ट मंथ से, एफ कब देंगे? नेक्स्ट मंथ, क्लियर। जो जो बच्चों में एग्जांपल आपको लिखवाता हूँ यहाँ पर, सो प्लीज नोट डाउन दैट एग्जांपल इन योर नोटबुक, सो इट विल बी और वेरी क्लियर टू यू कि क्या क्या हमें समझना चाहिए, क्लियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इतना क्लियर। कहते व्हेन डी एग्रीज द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी परफॉर्म, इट इज येट टू बी कैरिड आउट, येट टू बी परफॉर्म, अभी पूरा हुआ नहीं है, इट इज येट टू बी परफॉर्म, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट होना है, यस, एग्जीक्यूटरी मतलब नियर फ्यूचर में जो होगा, नियर फ्यूचर में जो होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके भी बच्चों टू पार्ट्स हैं, इसके भी कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटरी के भी टू पार्ट्स हैं, वन इज यूनिलैटरल, वन इज यूनिलैटरल, जो भी आपकी दिख रहा है, वन इज यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मींस, एंड अदर वन इज बायलैटरल, यूनिलैटरल मींस दोनों पार्टीज ने अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट किया ही नहीं है, दोनों पार्टीज की साइड से क्या है? इट इज पेंडिंग, सिंपली लिख देते हैं, इट इज पेंडिंग, सॉरी यूनिलैटरल गलत थोड़ा सा बता दे प्लीज, आई टेक माय वर्ड बैक, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन से, समटाइम्स समथिंग गोज इन माइंड, सो क्लियरली, सॉरी, तो आप आ रही है, इट इज कॉल्ड वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक पार्टी अपना काम परफॉर्म कर चुकी है, एक पार्टी अपना काम परफॉर्म कर चुकी है, दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करना है, एक पार्टी को अपना काम परफॉर्मेंस दे चुकी है, दूसरी पार्टी को अपना परफॉर्मेंस देना है, जस्ट लाइक
मैं आप लोगों को क्लासेस दे चुका हूँ, आप लोगों को फी पे करनी है, या इट मे बी वाइस वर्सा, आप लोग फी पे कर चुके हैं, हम लोगों को आपको क्लासेस देनी है। क्लियर? जस्ट राइट इट। अदर पार्टी हैज टू परफॉर्म, ब्रैकेट में लीजिए, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म मीन्स एक पार्टी ने कर दिया है दूसरी पार्टी को करना है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल दिया वो भी नोट कर लीजिए। यस, कि सपन जैमिनी ने प्रोवाइडेड क्लासेस टू सिंपली। Now, student ने अभी सपन जेमिनी को अपना फी का पेमेंट करना है, फी पे करना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स बता देता हूँ बच्चों, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, नो प्रॉब्लम, चाहे वो अपने पढ़कर आए हो कैसे, दैट्स वाई मैं इन दोनों बातों में पढ़ाता हूँ आपको, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मैं आपको इसके लिए पढ़ाता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं रहे, सर हम तो 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम कैसे समझ पाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आप कैसे भी रहे हो हम ये आपको 100% देने के लिए तैयार हो, आपको अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल बात कर ले, यूनिलैटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो कर चुके हैं कंप्लीट, कितना एक साइड कंप्लीट कर चुके, दूसरे को कंप्लीट करना है। इट यूजुअली कम्स टू एक्सचेंज व्हेन ओनली वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस, कह रहे जी वन पार्टी प्रॉमिस कर चुकी है, दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेंडिंग है, क्या है, पेंडिंग है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल, समझ आ गया होगा शायद, नहीं समझ आया तो भी समझना है, ध्यान से। एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ ए रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 5000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग डॉटर एंड ब्रिंग्स हर, एंड ब्रिंग्स हर, क्या कहते हैं, एम ने एडवर्टाइजमेंट दिया पेमेंट का, कितने रुपए का, 5000 का मैं दूंगा किसी को भी, एनीवन, जो मेरी मिसिंग बच्ची को ढूंढ कर लाता है और मुझे देता है। यस, नेक्स्ट कह रहे हैं, एज सून एज वाइट ट्रेसेस द डॉटर देयर कम्स टू एक्सीडेंट एंड एग्जीक्यूटेड, जैसे ही कह रहे वाई ने उनकी बेटी को ढूंढ दिया, उनकी डॉटर को ढूंढ दिया, उनकी बच्ची को ढूंढ दिया, वो मिल गई उनको, अरे बेटा अब कहाँ थे, पार्टी करने गए हुए थे, कोई बात नहीं, उन्होंने उनको ढूंढ दिया, बेटा आपके पापा जी परेशान हो रहे हैं, तो यस, इन दैट कॉन्टेक्ट, बिकॉज, अब ये बी नहीं लिखना बच्चों, इसको काट देना, ये गलत छपा हुआ है, बी की जगह ये वाई कर देना, देयर कम्स टू एक्सीडेंट एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to Y. B की जगह Y कर देना और इसमें कुछ changes कर देना, ये गलत हो गया है। There comes to accidents and executed नहीं है बच्चों, ये क्या है, executory contract है, क्योंकि केवल एक ही पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको प्लीज आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटेड को काट करके लिखना है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वाई, वाई ने अपना परफॉर्मेंस कर दी है, वाई ने उनकी बेटी को ढूंढ दिया है, अपना पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, अब मिस्टर एम को किसको पेमेंट देनी है, वाई को पेमेंट देनी है कि आपने मेरी बच्ची को ढूंढ दिया है, ऐसा उन्होंने पहले कहा था,
वाई ने उनकी बच्ची को ढूंढ दिया, वाई ने उनकी डॉटर को ढूंढ दिया। नाउ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर एम, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर एम टू मेक द पेमेंट टू वाई, मेक द पेमेंट टू वाई। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? यूनिलैटरल, क्योंकि एक पार्टी ने परफॉर्म किया। एक पार्टी किसने परफॉर्म किया अभी? एक पार्टी ने परफॉर्म किया वाई ने। वाई ने परफॉर्म किया, यस, उनकी बेटी को ढूंढ लाए। अभी एम जब इसको कंप्लीट कर देंगे, एम जिस दिन मिस्टर वाई को पेमेंट दे देंगे 5000 रुपीज, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन इट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। टिल देन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी, टिल देन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में भी यूनिलैटरल, एग्जीक्यूटरी में भी यूनिलैटरल। ओके डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते बच्चों बायलैटरल, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट को करना है, बोथ पार्टीज को अभी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, बोथ पार्टीज के एंड पर ये पेंडिंग है। पेंडिंग ऑन द साइड ऑफ बोथ द पार्टीज, जो जो भी मैं लिख रहा हूँ बच्चों आपको साथ साथ अपने नोट, अपने जो आपको नोट्स मिले हुए हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, उस पर आपको नोट करते रहना, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं रहे जब भी आप उसको पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज ध्यान रखिएगा, हाइलाइटर प्लस एक स्टिकी नोट्स आप जरूर रखिएगा, सो दैट वी कैन मेक इट मोर इन मोर इजियर वे। चलिए क्या करें? बायलैटरल इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों दोनों को अपना पार्ट कंप्लीट करना है। सपोज सिंपल, मैंने आपको कोचिंग अभी देनी है, आपको इंस्टीट्यूट को फी पे करनी है। सिंपल, मैंने अभी पढ़ाना है, आपने अभी पढ़ना है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे आसान समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या? सर हमें अभी पढ़ाई करनी है, यस करनी है, और आगे वाले ने पेमेंट देनी है। मतलब बोथ द पार्टीज के साइड पर क्या है? पेंडेंसी है। बोथ द पार्टीज ने अपना कोई परफॉर्मेंस अभी कंप्लीट नहीं किया है, यस बिल्कुल नहीं किया है। तो इट ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हाउस को सेल करना है। किसको? हाउस को सेल करने का। अब हाउस है बच्चों सपोज कितने का? ये आपके बुक के बीच में जो स्पेस दिया बच्चों, ये आपके लिखने के लिए ही है, तो प्लीज इस पर आप लिखते रहना, इस पर नोट्स बनाते रहना, कोई टेंशन नहीं लेना कि इतना सारा स्पेस क्यों, जानबूझ कर दिया है, सो दैट यू कैन राइट हियर। क्या कहते हैं? ए ने बी के साथ सेल ऑफ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट। सपोज हाउस वॉज फॉर 50 लाख रुपीज। अब क्या कहते हैं? 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज वो होता है January 20 में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, यस मैं आपको अपना घर बेच रहा हूं कितने में? 50 लाख में। और March 2020 में जो है टाइटल डीड मेरे नाम पर आप ट्रांसफर करा दीजिएगा, बी ऐसा बोलता है। ए बी को बेचते हैं, अब मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम पर है। जब मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम पर जाएगी, सपोज ए की प्रॉपर्टी बी के नाम पर जाएगी, तो कुछ पेपर वर्क होगा, सो दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू बी। क्लियर? तो कुछ टाइम ले जाता बच्चों अमाउंट का अरेंजमेंट करने के लिए। 50 लाख आज नहीं है, कोई बात नहीं, 2 महीने में हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कहते हैं जी क्या ए ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, 50 लाख में मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया, March 20 में फुल पेमेंट दे देंगे। फुल पेमेंट से क्या मतलब है? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बी ने क्या किया? बी ने ए को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया, 5 लाख रुपीज पे कर दिए। कितने? 5 लाख रुपीज पे कर दिए। क्लियर? कर दिए कि नहीं? 5 लाख रुपीज पे कर दिए। अब बैलेंस कितना रह गया?
50 का कॉन्ट्रैक्ट डन, 5 लाख दे दिया, अभी बैलेंस कितना रह गया 5 लाख। बी कहता है ए से कि 45 लाख में आपको दूंगा सर मार्च 20, कब दूंगा मार्च 20 में। तो ए भी कहता है क्या, मैं भी जो ट्रांसफर डीड है, जो टाइटल डीड है जिससे आपके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मैं भी आपको कब दूंगा, जिस दिन आप मुझे 45 लाख दे देंगे मैं उसी दिन आपकी डीड, आपके डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगा और प्रॉपर्टी आपके ट्रांसफर हो जाएगी। ये सर लो, तो क्या रहा, पार्टीज ने कंप्लीट अभी करना है, बोथ दिस पार्टीज के साइड पर पेंडिंग है पेंडेंसी, सम पेंडेंसीज देयर। चलिए बात करते हैं फटाफट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से है? By contrast, a bilateral contract is one that has two parties. Yes, हमेशा it is a traditional type of contract. Most commonly, and occurring here, both parties agrees to terms of agreement, thus enter into contract. It is called as a reciprocal contract. Reciprocal contract मतलब give and take. मैं पूरा करूँगा पहले, फिर आप पूरा करेंगे. No problem. दोनों इकट्ठा या कुछ time के बाद, no problem. In bilateral, both the parties have usually agreed to a time frame to carry out the same. Usually agreed time frame, a time frame distinct, निर्धारित कर लिया जाता है, जैसे इसमें किया गया after two months I'll transfer my property to you and you will pay me balance 45 lakh rupees. So these types of contract we can say buy lateral contracts. Example, the contract of sale out by pay a down payment. तो समझते हैं आजकल, तो सब समझते हैं, सपोज कोई चीज है 10 लाख रुपीज, 2 लाख, साथ के साथ दे दिए 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख क्या हुआ, ये 2 लाख हुआ बच्चों डाउन पेमेंट, पंच दे देंगे धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए, द सेलर गिव्स पोजेशन ऑफ द हाउस टू द बायर एंड एग्रीज टू डिलीवर द टाइटल अगेंस्ट द स्पेसिफाइड सेल प्राइस, दिस इज ए बायलैटरल। फ्यूचर डेट पर एग्री टू पे द बैलेंस एट ए फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला कौन सा एग्जीक्यूटरी का ही पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये कोई अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्जीक्यूटरी के ही पार्ट से, कौन कौन से, वन इज यूनिलैटरल, अदर वन इज बायलैटरल, लिख लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी के ही पार्ट से, वन इज बायलैटरल में क्या करना है प्लीज बताइए, सोचे समझे, नोटबुक में नोट कीजिए, तभी तो क्लियर होगा। यूनिलैटरल में वन साइडेड मतलब, अब जी एग्जीक्यूटरी सबसे पहले इस पर आते हैं, एग्जीक्यूटरी मतलब जो अभी होना है, जो अभी होना है, होना है कब होना है, एग्जीक्यूटेड कंप्लीट अभी होना है, पेंडिंग है जो अभी, अगर एक साइड कंप्लीट है और दूसरी साइड को पूरा करना है तो यस यूनिलैटरल, one sided pending we can say, and bilateral both side pending, please note down it your notebook, aram aram se executory jo abhi hona hai, unilateral jo one sided pending, bilateral both sides अभी pending है, example आपको दे दिए हैं बहुत सारे, you may note down that, okay? चलिए बात करते हैं, चलिए आज क्लास में इतना ही, next क्लास में हम फिर पढ़ेंगे proposal और offer को, लेकिन उससे जाने से पहले हम एक बार जो आज हमें पढ़ाई की है उसको तो हम एक बार पढ़ते ही है ना, चलो चलिए जल्दी से। types of contract क्या था, सबसे पहले executed contract कौन सा, Yes, parties ने कंप्लीट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, पूरा कर लिया है, both the parties have performed their promise, जिस जिसके लिए बात की थी वो सारी बातें
हो चुकी है, मोस्टली इट इज इंस्टेनियस, साथ के साथ हो जाता है तभी हो जाता है। एग्जाम्पल आपको मैगी वाला दिया हुआ है और मैंने भी दिया था। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में परफॉर्म नियर फ्यूचर कहेगा, कैसे कहेगा, नियर फ्यूचर, यस फ्यूचर में होगा, यस। एग्जाम्पल अगेन, यस कोचिंग वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी से एग्जाम्पल। और एग्जीक्यूटरी में भी टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कौन से, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। वन इज यूनिलैटरल, अदर इज बायलैटरल। यूनिलैटरल कौन सा, जिसमें एक साइड से पेंडेंसी है, बायलैटरल कौन सा, जिसमें बोथ साइड से पेंडेंसी है। क्लियर, एग्जाम्पल इज गिवन। और जो करेक्शन बताया आपने मटेरियल में, वो करेक्शन जरूर कर लीजिए। क्लियर, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।